अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सरकी की साड़ी भले ही मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन आज मैं ये साड़ी पहनूंगी जो नहार जी ने मुझे दी थी, और मैं नहार जी के लिए व्रत भी रखूंगी। बहुत ही ढीठ हो तुम। पता था मुझे कि मना करने के बावजूद भी तुम व्रत रखोगी। अब जबरदस्ती तुम्हारा व्रत तो नहीं तुड़वा सकती, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो रूही, नहार के सामने तुम कुछ भी जताने की कोशिश नहीं करोगी। तुम ये सच धज कर उसके सामने गई तो वो सवाल करेगा, और तुम व्रत में रहकर झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए तुम ये बेकार सी बेरंग सी साड़ी पहनोगी और यही पहनकर नहार के सामने जाओगी और घर के बाकी सारे काम भी करोगी। अब जाओ, जाकर स्टोर रूम से पूजा का हरा गुलाल लाके पूजा की जगह पर रखो। पूजा का गुलाल तो मैंने पहले ही निकाल कर रख दिया था, उसे जाकर खाटू जी के पास रख देती हूँ। रूही रूही, I'm so sorry, मेरा ध्यान नहीं था, मैं फोन पे था। So sorry, मेरी वजह से तुम इस हरे रंग से रंग गई। I'm so sorry, please. रूही, क्या हुआ? I'm sorry, वो गलती से। I'm sorry तुम्हारे साथ। It's okay, कुछ चीजें अच्छे के लिए होती है। जरूरी कॉल, आई एम सो सॉरी। हेलो, थैंक यू खाटू जी, आज आपने मेरी भीगी साड़ी को हर जी के हाथों से हरे रंग में रख दिया। क्या है दादी, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठ के पेड़े खाओ और वहां रूही फिर से नहार को अपने जाल में फंसा रही है। मतलब ये कि वो किसी ना किसी बहाने फिर से नहार के करीब आ रही है, उसके रंग में रंग रही है। तुम किसी काम की नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे।
क्योंकि जिनके दिल जुड़े होते हैं ना, उन्हें करीब आने के लिए यादों का सहारा नहीं लेना पड़ता। उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो अपने आप एक दूसरे के करीब आते हैं। रूही और नहार के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि असली पति पत्नी रूही और नहार ही है और बच्चे के माँ बाप भी रूही और नहार ही है। तुम बस यहाँ बैठ के पेड़े खाओ और असली मेहनत का फल वो रूही ले जाएगी, नहार उसे मिल जाएगा। लो खाओ, खुशियां मनाओ। नहीं, अब मुझे जल्द से जल्द नहार को अपना बनाना ही होगा। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। खाटू जी ने मुझे इशारा दिया है कि मैं हरा रंग पहनूं और नहार जी के लिए व्रत भी रखूं, और अगर खाटू जी ने चाह तो नहार जी मेरा व्रत भी खुलवा देंगे। आज तीज है, तुम्हारा श्रृंगार करने का हक तो मेरा बनता है ना। सिंदूर कैसे गिर गया? एक तरफ भगवान मुझे इशारा दे रहे मैं सुहागन बनूं और दूसरी तरफ मेरा सिंदूर गिर गया। इसका क्या मतलब है खाटू जी?
यहाँ से हट कीजिए। इंस्पेक्टर सर मेरा प्लीज यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए, मैं मार ही नहीं सकती। बस मैडम जी, जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तब तक आपकी बातों पे यकीन नहीं कर सकते, और अच्छा होगा कि आप शांति से बैठ जाइए, नहीं तो आपको लॉकअप में डाल दिया जाएगा। पलक मेरी बच्ची, कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची एक मक्खी तक नहीं मार सकते, फिर मलिष्का को मारना तो बहुत दूर की बात है, इसने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, इसको छोड़ दीजिए। वैसे पलक जी, आपका मलिष्का जी के साथ क्या रिश्ता? मेरा मलिष्का जी से कोई रिश्ता ही नहीं था, क्योंकि मलिष्का पलक की सौतन थी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर पलक, गाड़ी में जो लाश मिली है इतनी बुरी तरीके से जल चुकी है कि उसकी शनाख्त तो दूर डीएनए तक मैच नहीं करवा सकते, लेकिन गाड़ी में कुछ सामान मिला है जो इस बॉक्स में है। अब सब साफ हो जाएगा, कौन झूठा है और कौन सच्चा। इसमें जो सामान है उसी के बुनियाद पर बॉडी की शिनाख्त होगी, और हो सके तो मुजरिम की भी। ये साड़ी का टुकड़ा, ये तो वही साड़ी जो मैंने दी थी इंस्पेक्टर साहब मलिष्का को, ये साड़ी पहनने के लिए पूजा में पहनी थी उसने, यही साड़ी पहन के पूजा की थी ना उसने। ये साड़ी तो वॉशरूम में रख दी थी मैंने, फिर एक गाड़ी में कैसे आई? नहार, चलो जल्दी चलो नहार, जल्दी। नहीं, कहाँ चलना है? तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे गुलगप्पे नहीं मिले तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊंगी। गप्पे? तुमने मुझे डरा ही दिया। नहार, मेरा आज गुलगप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मुझे लेके चलो ना। और वैसे भी तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे आज व्रत रखने से मना किया है, तो गुलगप्पे खाने ही चलते हैं। लेकिन 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 कुछ नहीं, मुझे पता है तुम मुझे कभी मना नहीं कर सकते हो। चलो ना नहर, प्लीज 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 प्लीज, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो भी। हाँ नहर जी, अग्नि के साथ कहाँ जा रहे हैं और मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नहर जी मुझसे दूर हो रही है? घाटू जी, सब सही रखना प्लीज, मेरा व्रत नहर जी के हाथों से ही खुलवाना। और ये अंगूठी? ये तो अनुष्का भाभी की अंगूठी है, उन्होंने अपनी सगाई में पहनी थी। ये सब सामान गाड़ी में कैसे आया? और ये घड़ी भी मलिष्का जी का ही? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये घड़ी पलक की है जो मैंने उसे दी थी। एक चीज मलिष्का जी से जुड़ी और एक चीज पलक जी आपकी, इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय गाड़ी के आसपास आप ही थी। हाँ इंस्पेक्टर, वो गाड़ी तो कार में मिलेगी ना, क्योंकि वो कार ही मेरी है। पलक तुम ये क्या बोल रही हो बेटा, वो कार मलिष्का की थी, वो ये गाड़ी लेकर हर रोज ऑफिस जाया करती थी। दादाजी मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि वो मलिष्का की कार बन गई? मिस पलक, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं और सच उसी से साफ होगा, और फिलहाल जो चश्मदीद गवाह और सबूत मिले हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि आपने ही मलिष्का जी को नुकसान पहुंचाया है। कांस्टेबल, इन्हें लॉकअप में डाल दो। लॉकअप में? मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी बात तो सुनिए, एक बार मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहा? मेरी बात नहीं जरा सा, मेरी बेटी किसी का कोर्ट नहीं कर सकती। अरे किसी को मार ही नहीं सकते इंस्पेक्टर साहब, इसको छोड़ दीजिए। अब कोई नहीं चिल्लाएगा यहाँ, वरना उसे भी लॉकअप में डाल दिया जाएगा।
भगवान, अपने खून के इल्जाम में कैसे फंस गई। अग्नि, तुम गोलगप्पे खाने के बहाने यहाँ मंदिर क्यों ले आई? नाहर, मैं तुम्हारे लिए व्रत तो नहीं रख सकती, लेकिन तुम्हारे साथ अपने होने वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद तो ले सकती हूँ ना, इसीलिए पहले मंदिर ले आई और इसके बाद फिर गोलगप्पे भी खा लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलो। अभी कुछ ही देर में हम तीज की पूजा शुरू कर देंगे। रूही, नाहर अग्नि के साथ बाहर गया है, तुम एक काम करो, नाहर के आने से पहले तुम अपनी पूजा कर लो ताकि नाहर को कोई शक ना हो। जी मामा जी। अग्नि बेटा, मैं आती हूँ। भाभी, भाभी क्या जूही ने भी तीज का व्रत रखा है? मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा क्या उसका व्रत खुलवाने के लिए? भैया, आज जूही बिजी है इसलिए मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है जूही ने वो व्रत जरूर रखा होगा। मैं जानती हूँ जूही थोड़ी खुले विचारों की है, लेकिन इन चीजों में उसके संस्कार बिल्कुल मेरे जैसे हैं, वो भी रीति रिवाजों में कभी पीछे नहीं हटती। ठीक है भाभी, तो मैं जूही का व्रत खुलवाने समय से पहुंचाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गौरी शंकर जी कि मेरा और नाहर जी का रिश्ता भी आपके और पार्वती माँ जैसे जन्मों जन्मांतर तक बना रहे, शिव शक्ति की तरह अटूट रहे और हम एक दूसरे के पूरक। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।